मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने घर लाने की मुहिम शुरू की है, जिसके तहत केंद्र ने 5 विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। प्रवासियों को अपने राज्य पहुंचाने के लिए ये विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। राजस्थान के लिए ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। जयपुर कोटा से पहली 2 ट्रेनें जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मजदूरों का मुद्दा उठाया था और उसके बाद अब उनकी मुहिम सफल होती नजर आ रही है। जिस प्रकार का आइडिया दिया था उस आइडिया पर अमली जामा पहनाया जाता नजर आ रहा है। प्रवासी मजदूरों को लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। 5 ट्रेनें चलाने की अनुमति मिल गई है। पहली 2 ट्रेनें जयपुर और कोटा से चलाई जाएंगी, जिससे अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर वापसी करवाई जा सकेगी। बड़ी पहल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के लिए रेलगाड़ी चलाने को मंजूरी मिल गई है। विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। 5 विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी मिली है। जयपुर और कोटा से 2 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था और जिसके बाद इस बात पर अमल होता नजर आ रहा है। 5 विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति मिल चुकी है राजस्थान को। 2 विशेष ट्रेनें जयपुर और कोटा से चलाई जाएंगी। अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से मजदूरों की पीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद राजस्थान में 5 विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति मिल चुकी है। 2 विशेष ट्रेनें जयपुर और कोटा से चलाई जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति राजस्थान को मिली है। जयपुर और कोटा से विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। 2 ट्रेनें चलाई जाएंगी जयपुर और कोटा से। सबसे पहले कोटा और जयपुर से विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। पहली ट्रेनें जयपुर और कोटा से, जिनके माध्यम से अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी करवाई जा सकेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। गहलोत सरकार ने प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को उठाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रमुखता से इस बात को उठाया था। गहलोत सरकार की बड़ी पहल, श्रमिकों की घर वापसी के लिए रास्ता खुल चुका है। 5 विशेष ट्रेनों की अनुमति मिली है। इनमें से पहली 2 ट्रेनें जयपुर और कोटा से चलाई जाएंगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद राजस्थान को अब 5 विशेष ट्रेन की चलाने की अनुमति मिल चुकी है। इन 5 विशेष ट्रेनों के माध्यम से अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस राजस्थान लाया जा सकेगा। अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानी मजदूरों के लिए मजदूर दिवस पर इससे बेहतर तोहफा आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। 5 विशेष ट्रेनों की अनुमति मिली है। इनमें से पहली 2 ट्रेनें जयपुर और कोटा से चलाई जाएंगी। इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी करवाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सबसे बड़ी खबर, मजदूरों के लिए अच्छी खबर, राजस्थान के लिए 5 विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति मिली है। पहली 2 ट्रेन जयपुर और कोटा से चलाई जाएंगी। इनके माध्यम से अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी करवाई जाएगी। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को अब घर आने का मौका मिल रहा है।